आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सवाल है कि भैया कॉलेज प्रिडिक्टर जो है क्यों रिलीज़ नहीं हुआ। आप लोग आप जो है कमेंट्स पढ़ते भी हो, लेकिन इसके ऊपर ना तो किसी वीडियो में अपडेट देते कि आएगा नहीं आएगा, नहीं आने के पीछे रीज़न भी आप लोग नहीं बताते, तो आपका गुस्सा जो है वो हमें दिखता है कमेंट्स में। एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉलेज प्रिडिक्टर क्यों जो है हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए, एंड हमने इसके ऊपर लास्ट कुछ दिनों से एक भी वर्ड क्यों नहीं बोला, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हम कॉलेज प्रिडिक्टर जब हमने अनाउंस कर दिया था उसके बाद भी रिलीज़ नहीं कर पाए। उसके पीछे के कुछ रीजन्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कॉलेज प्रिडिक्टर में हमने जो है कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया था, जिसके अंदर हमने आपके CUET के मार्क्स, क्लास 12th के सब्जेक्ट्स भी ले लिए थे, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी भी निकाल दी थी, आपकी रैंक्स भी निकाल दी थी। बट उसके बाद जो प्रिफरेंसेस का ऑप्शन हमने दिया था आपको, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत कम बच्चों ने जो है अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट की थी। इसके अंदर आप देखेंगे सो ओनली 5885 स्टूडेंट्स ने जो है अपनी प्रेफरेंसेस वहाँ पे डाली थी। अगर मैं इन प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप लोगों को प्रेडिक्शंस दिखाता तो हमारी पूरी टीम श्योर थी, हमारे डेटा एनालिस्ट श्योर थे, हमारे जो डेवलपर हैं वो पूरे श्योर थे कि जो भी हम लोग प्रेडिक्शंस दिखाएंगे वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं होंगी, एंड गलती से एक दो बच्चों को जो हम दिखाएं वो मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि इतने डेटा के बेसिस पे हम लोग एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं दिखा सकते थे। जब हमने नॉर्मलाइज स्कोर निकाला था, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी कुछ वीडियोस वायरल गई थी एंड उनके कारण डेटा बहुत ज़्यादा आया था। उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंसेस सिलेक्शन के टाइम हमने बाकी यूट्यूबर्स के साथ कोलेबरेट करने की भी कोशिश की, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड जो है हम ज़्यादा यूट्यूबर्स या फिर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाए, तो उस कारण जो है बहुत कम बच्चे जो है हमारे प्रिफ्रेंस सिलेक्शन में जुड़ पाए। वहाँ तक चेक रैंक्स तक तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद बच्चों ने प्रिफ्रेंस सिलेक्शन बहुत कम की। इसके एक दो रीज़न ये भी थे, एक तो एडवर्टाइजमेंट कम हुई, एक बच्चे खुद कन्फ्यूज थे इस चीज़ को लेकर के कि क्या प्रिफ्रेंसेज रखनी है, तो फिर ज़्यादा बच्चों ने नहीं डाला वहाँ पर। ठीक है, सो इस वजह से जो मेनली था हम लोग जो है आपका प्रेडिक्टर लॉन्च नहीं कर पाए, एंड इस साल हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। एंड हमने लास्ट कुछ दिनों में ये वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमें 3 से 4 दिन पहले पता चल गया था कि प्रिडिक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका रीज़न ये था कि जैसे ही हमने प्रिडिक्टर की अनाउंसमेंट की थी कि फ्री प्रिडिक्टर आएगा, उसके बाद जो आप लोगों के पेड प्रिडिक्टर थे, भले ही वो एक्यूरेट थे या नहीं थे, वो स्टॉप हो गए थे। मतलब वो जो बच्चों से पैसा लिया जा रहा था प्रिडिक्शंस के नाम पर वो रुक गया था। एंड अगर हम 3 से 4 दिन पहले इस चीज़ को अनाउंस कर देते तो फिर से जो है पेड प्रिडिक्शंस जो कि 99% जो भी पेड प्रिडिक्शन चल रही थी वो फॉल्स पेड प्रिडिक्शंस थी, वो फिर से स्टार्ट हो जाती। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं, गुस्से में लिख रहे हैं, उनको हम लोग 2-4 दिन के लिए सहन कर लेंगे, लेकिन उनको फिर से जो फॉल्स प्रिडिक्शंस हैं उसके जाल में नहीं फंसाएंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर आप अपने सीनियर्स से पूछना जब कॉलेज में आओगे तो उन फॉल्स प्रिडिक्शन के बेसिस पे कितने लोगों को जो दिखाया गया था वो मिल गया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने वो अनाउंसमेंट 3 से 4 दिन पहले नहीं की थी। सो अभी तक का यही अपडेट है, वंस अगेन सो सॉरी कि हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए। एंड नेक्स्ट 1 से 2 दिन में अभी आप लोगों को पता ही चल जाएगा कौन सा कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स TubeBuddy ऐप पे जो ऑलरेडी आप लोगों के लिए हैं एंड टाइम टू टाइम आते रहेंगे, जैसे अभी आप अकोमोडेशन का फीचर जो भी आप कॉलेज के पास देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इंटर्नशिप्स आ जाएंगी, आप अपने कॉलेज और क्लास के ग्रुप्स में कनेक्ट कर पाएंगे जिस टाइम 1 तारीख से 1 अगस्त से, एंड आपके कॉलेज के अपडेट, सोसाइटीज़ वगैरह के जो भी आपके ऑडिशंस वगैरह होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको TubeBuddy ऐप पे मिलती रहेगी। एंड जो भी आप लोगों का गुस्सा है वो कमेंट्स में आप लोग जाहिर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। थैंक यू, सॉरी वंस अगेन, बाय बाय।